हाँ परवेश बोलो, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। ठीक, कब आ रहे हो? ठीक है, प्लान करते हैं कोई। बाकी देखो, रोड ट्रिप का मतलब क्या होता है? देखो, हर बार की कैंसिल हो जाते हैं, बट इस बार नहीं। सच में गाइस, हम लोग का ट्रिप कैंसिल नहीं हुआ था और हम लोग निकल पा रहे थे हम लोग का डेस्टिनेशन द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, मेघालय की ओर। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग ट्रिप पे। देखिए कौन कौन है मेरे साथ। आरिफ भाई कैसे हो भाई? बाकी नसीम भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया। बाकी और फरजुल भाई और परवेश फ्रॉम बेंगलोर। बाकी अभी हम कम से कम उमियम लेक क्रॉस करके आ चुके हैं, बहुत 2-3 किलोमीटर। अभी जाना है हम लोग कहाँ, लाइटलोम करके एक जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, उस पर जाएंगे हम लोग अभी। अभी अप्रोक्सीमेटली 9 या 10 किलोमीटर बाकी रह गया, हम पहुंच जाएंगे। बाकी दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा जगह है। बाकी सब लोग यानी रात के 3 बजे निकल गए थे हम लोग, अभी अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर। देखिए फरजुल भाई, जुल्फिकर मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर भाई, वो खालू बुलाता है। क्यों बुलाते हैं मैंने नहीं पता। बाकी आज जो हम लोगों का साथ गाड़ी चला गया अंकल इनामुल भाई, कैसे आप भाई? अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। तो बाकी देखिए पीछे में कौन कौन है, तैगुर, नसीम भाई, परवेश और आरिफ भाई। आरिफ भाई तो एकदम फुल फ्लैग में है, देखिए चश्मा वगैरह सब पहन के रखा वो। पूरा ट्रैफिक हो रखा है इधर, सब येलो येलो टैक्सी। इन्फॉर्मेशन, यदि आप लोग शिलोंग आते हैं ना तो लाइटलूम कैनियन करके सर्च करके आना, यदि लाइटलूम आते हैं। हाँ, नहीं तो आप लोगों को कहीं पे और जाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा बहुत। बाकी ऐसे नहीं तो हम लोग पहले ही नहीं, दिक्कत हो रहा था, अंकल भी नहीं जानते इतना अच्छी तरीके से, लाइटलूम कभी नहीं आया। बाकी लाइटलूम कैनियन सर्च कीजिए तो अच्छा होगा, नहीं तो आप लोग किसी और लाइटलूम में चले जाएंगे। तो बाकी देखता हूँ, अभी थोड़ा ट्रैफिक है इधर, धूप भी बहुत ज़्यादा है, एकदम आँखों में पड़ रहा है धूप। गाइस अभी फटाफट ऐसे निकल जाते। जुल्फी भाई फटाफट, तुम तो बांग्लादेश से आया ना डायरेक्टली? हाँ जी। तो ठीक है। बाकी ये तो ये बंदा सारा दिन यानी उसका नींद खत्म ही नहीं हुआ अभी। क्या भाई आईफोन दिखा रहे हो? आप बांग्लादेश के खालू है? खालू तो चलिए कौन है खालू जी? तो खालू का पीछे परवेश खालू, उधर में है नासिम खालू, आरिफ खालू। खालू का मतलब क्या है? बुलेट। बुलेट क्या मत पता नहीं। अब L2 गाइस, L2 का राज चलता है यहाँ पे। देखिए दुबई में कैसे चलते लैम्बोर्गिनी, उरुस, फिर टेस्ला वगैरह, यहाँ पे सब L2। बाकी ठंड है, नॉर्मल है, इतना नहीं 12-13 डिग्री चल रहा है। गाइस कितना 4.3 किलोमीटर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए लगभग लाइटलूम। बाकी देखिए यहाँ से व्यू पॉइंट, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे जो मेन व्यू पॉइंट है लाइटलूम का वहाँ पर। तो इसमें देखिए अभी हम लोग का शायद टिकट करना पड़ेगा वहाँ से, 20 रुपीज पर पर्सन ऐसे करके टिकट करके फिर अंदर घुस जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा जगह, अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रखा है ना, सब लोग एक साथ घुस जाएंगे। देखिए मेरा फ्रेंड सब तो एक और आ रहे अंकल अरतैपुर से एंट्री। अभी देखिए क्या चिल्ड्रन, क्या तो गाइस ये है टिकट, अंदर घुस जाएंगे हम लोग। देखिए व्हाट अ व्यू यार, लेकिन अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रखा है ना, लेकिन ठंडी ठंडी हवा रे एकदम। कैसा लग रहा है बोलिए?
तो गाइस अभी हम लोगों ने लाइटलूम देख लिया थोड़ा बहुत, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं चेरापूंजी और अंकल इनामुल भाई कह रहे हैं कि अभी हम लोग को चेरापूंजी देखा है। फरदुल भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो इस प्लेस के बारे में, कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। अरे भाई अभी हम जा रहे कहाँ? चेरापूंजी। चेरापूंजी निकलो निकलो निकलो। अरे टिकटॉकर भाई निकलो, बाद में रील्स बना लेना। चेरापूंजी जा रहे अभी। तो गाइस बहुत अच्छा लगा लाइटलूम देख के, अभी निकल पड़े चेरापूंजी के लिए। स्टिंग कितना है? 30। ये कितना है? 20। यही दीजिए। ये कितना है? अमल कितना है? हम लोग चेरापूंजी पहुंच गए, 7-star फॉल देखने के लिए जा रहे। थोड़ा बहुत बीच में रुका। गाइस इतना ठंड हो रहा है ना इस धूप में, आपको पता नहीं चल रहा है कितना ठंड हो रहा है। बाकी सिकिम सिकिम वाइब जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फॉल देख के आ गया। मैं भी वॉशरूम करने के लिए आया था, 10 रुपये लगाया आपका वॉशरूम। बाकी भी खाना पीना थोड़ा खाएंगे, मैं सब्जी भात खाएंगे फिर निकलते ही रहा। इसका बहुत ही साफ सिकन वॉशरूम, पुराने दिनों का बस देखिए। ये पब्लिक या थोड़ा यानी रेस्टोरेंट वगैरह है, आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी खाना खाते हैं पहले, बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो गाइस फिर हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लिया 10-15 मिनट। रेस्ट लेने के बाद फिर हम निकल पड़े नौगांव की ओर, क्योंकि बहुत दूर भी जाना भी था हम लोगों को। अप्रॉक्सीमेटली हम रात के 9 बजे पहुँच गए थे नौगांव। और एक बात बताओ तो यदि आप मेघालय को फुल्ली देखना चाहते, क्योंकि हम लोगों ने जस्ट 2 प्लेसेस ही देखा, यदि फुल्ली देखना चाहते हैं कम से कम आपको 4 या 5 दिन देना पड़ेगा, और आपकी बजट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करते हैं आप कैसे खर्च वगैरह करते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और एक बात मैं अंत में बोलना चाहता हूँ, जो मज़ा फ्रेंड्स लोग के साथ रहता ना कहीं घूमने में जाने में, वो कहीं नहीं मिलता आप लोगों को, सच में गाइस। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि हम लोगों को सही सलामत मेघालय लेके गया, फिर वापस भी लेके आया नौगांव में। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग भी ट्रैवल कीजिए, सेफ होके ट्रैवल कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।